कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के उद्देश्य से शासन द्वारा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाए गए आंशिक नाइट कर्फ्यू का असर मंगलवार को भी देखने को मिला। इस दौरान महानगर के विभिन्न चौराहों एवं सड़कों पर लोगों का आवागमन जारी रहा तो कहीं कहीं सन्नाटा भी पसरा रहा, जिसमें कचहरी चौक, शास्त्री चौक, बेतिहाता, नागलिया हॉस्पिटल रोड, नॉर्मल रोड तथा ट्रांसपोर्ट नगर रोड सहित अन्य क्षेत्रों में भी नाइट कर्फ्यू का असर दिखा। इस संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। जो भी अनावश्यक रूप से दुकानें खुली रहती हैं और जो अनावश्यक रूप से बाहर घूम रहे होते हैं उनके ऊपर विधिक कार्रवाई किया जा रहा है तथा जनता से अपील है कि तीसरी लहर आने की संभावना बाकी है। कई राज्यों में भी केस तेजी से बढ़ रहे हैं और हम सबका दायित्व है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर तथा मास्क का प्रयोग करते रहें। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर में बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए बच्चों का ख्याल रखने की ज़्यादा आवश्यकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, ये रात्रि 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू है और वीकेंड में जो आंशिक लॉकडाउन है वो भी लागू है। इसमें जो सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें वही खुली रहती हैं और जो बेवजह जो घर से बाहर निकल रहे हैं उनका चालान किया जाता है, उनके गाड़ी की सर्जरी कार्रवाई भी की जाती है। सर जनता से क्या बोलना? जनता से यही है कि देखिए तीसरी लहर की काफ़ी बातें चल रही हैं, कई राज्यों में संख्याएँ बढ़ भी रही हैं कोरोना मरीजों की। इस समय में हम सबका दायित्व है कि हम लोग कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते रहें, सामाजिक दूरी, मास्क, इन सब का प्रयोग करते रहें और खास करके जो बच्चे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो तीसरी लहर है उसमें बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है, तो बच्चों का भी खास करके ख्याल रखने की आवश्यकता है।